हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप देख रहे हो रविशंकर व्लॉग्स। तो गाइस आज बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है, तो गाइस वीडियो को एंड तक देखें और बहुत बहुत प्यार दें। तो गाइस आज मैं हूँ विलेज में। तो गाइस यहाँ पे हिंदू भाई के जो बच्चे हैं वो जो मजहबी बुक्स हैं, हमारे जो हिंदू मजहबी बुक्स हैं, जो गीता है, रामायण है, दस जो भी बुक्स हैं ना, वो यहाँ पे पढ़ाते हैं। तो वो वीडियो आज इस जो व्लॉग है उनका, तो आज इस वीडियो को बहुत बहुत प्यार दें। और आज हमें विजिट कराने वाले हैं प्रीतम सिंह भैया जी। तो प्रीतम सिंह भैया कहाँ पे चलेंगे हम? सेंटर के कौन सा सेंटर है, वहाँ पे क्या पढ़ाते हैं और मजहबी का बुक्स पढ़ाए जाते हैं? तो भैया ने कहा है कि इंग्लिश पढ़ाते हैं, वहाँ पे उर्दू भी पढ़ाते हैं, सिंधी हमारी जो लैंग्वेज है वो भी पढ़ाते हैं, दस बुक भी पढ़ाए जाते हैं और मजहबी बुक भी वहाँ पे पढ़ाते जाते हैं। तो हम मजहबी के बारे में वहाँ पे पूछेंगे हम भैया से। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें, मजा आने वाला। तो मिलते हैं वहाँ पे। हेलो गाइस, यहाँ पे मैं पहुँच गए हैं और अभी ना सर से हम जो है ना थोड़ा सा डिग्री जो नॉलेज है हम इंक्रीज करने वाले हैं। तो गाइस इस वीडियो को बहुत बहुत प्यार दें। तो और एक बात, जो सर जी से ना मैं बात करने वाला हूँ ढाटकी में, सही है? तो इसको ना उर्दू बोलना नहीं आती, क्योंकि यहाँ गाँव में रहते हैं, गाँव में इतना उर्दू बोली नहीं आती है, सही है? लैंग्वेज जो यहाँ पे बोली नहीं जाती है, तो उस वजह से हम इससे ढाटकी बात कर रहे हैं। साई जय श्री राम, जय श्री राम, जय साई। इसे केड़ा केड़ा में आवार जो नालो है वो नालो उदा होती है, नालो केला से पिता श्री नालो की सवाई से सवाई से। अच्छा, अरे किधर होता? असे इस्लामपुर में ना, अरे गोट में होता, गोट खेपली में, खेपली गोट में होता। इते केड़ा केड़ा बुक पढ़ा होता है? बुक असे धर्म, हिंदू धर्म में बुक्स पढ़ा होता। अच्छा, राम रंग। अच्छा, गीता बारे में? जी जी, आवे इते जो को बाढ़िया ना पढ़ा होता, मेरे कितनी फीस ले होता? फ्री पढ़ा होता बाढ़िया में। अच्छा, फिर तो गाइस इन्होंने सर ने बोला है कि यहाँ पे ना मेरा नाम जो है ना, क्या बोलो? कैलाश है। इसके पिताश्री का नाम है सवाई सिंह। तो ये ना एक गांव है खीपली, यहाँ पे हम जो इंडिया का बॉर्डर इसके करीब है, तो वहाँ पे रहता है। और इन्होंने बोला कि जो मैं जो यहाँ पे सेंटर में पढ़ाता हूँ वो जो हिंदू धर्म के जो बुक हैं, रामायण, गीता है, यानी अदर्स जो बुक हैं वो पढ़ाता हूँ। और जो फीस है होती है मंथली की, वो फीस एक रुपया नहीं लेता हूँ। और जो भी गरीब बच्चे हैं जो हमारे हिंदू, वो उनको पढ़ाते हैं विलेज में, सही गए? तो इनके जो बच्चे यहाँ पे बच्चे जो पढ़ाते हैं ना, सही जी, उनका भी इंटरव्यू लेते हैं, उनके बारे में रामायण पूछते हैं और इस वीडियो को बहुत बहुत प्यार दें। तो छोटे भैया से पूछते हैं, इनके पहले पहले जो हमारा मंत्र है ना, मजहब का पहला पहला मंत्र, वो इन भैया से पूछते हैं। तो भैया जी बताएं। ॐ भूर्भुवः शः तन्त्रतवितरवर्ण्यं भर्गो दशयादि मे। तो ये बड़ा भैया जी ना, ये हमें आज जो मंत्र है हिंदू धर्म का फर्स्ट मंत्र जो होता है वो आज आपको हमें सुनाएगा, सही है? ॐ भूर्भुवः शः तन्त्रतवितरवर्ण्यं भर्गो दशयादि मे देवं नमः। तो भैया जी ने एक दूसरा मंत्र वो देखिए। तो ये भैया ने जो फर्स्ट हमारा मजहब का जो मंत्र था वो सुना है, और भी सुना सकते हो आज? सुना श्री ओम भागवती वासुदेवाय नमः, श्री ओम भागवती वासुदेवाय नमः। ओके भैया जी, बहुत होशियार यहाँ पे, बहुत श्री गणेशाय नमः जी ना, बहुत बहुत होशियार है जिन्होंने बच्चों को अपने एक बहुत अभी एक दूसरा बच्चा आना है। तो फाइनली गाइस भाई ने हमें बताया, सही है? तो ये भाई अभी छोटा भाई जो हमें एक और मंत्र सुनाने वाला है, तो सुनाए। ओम गण गणपतये नमो नमः, श्री सृष्ट विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपत पापा गोरिया, गणपति पापा गोरिया। तो इन भैया से पूछते हैं कि टीचर आपका जो है ना, उसका व्यू क्या है, जो वे है वो क्या है, और इनसे बात करेंगे ढाटकी में, सही? तो यार हमें बताओ कि तो हमारे टीचर जो है उठी पढ़ाए, तो मजहब के बारे में कथा गाइस हम इन भैया से पूछते हैं, तो ढाटकी में बात करने वाले हैं। तो इन वीडियो को आपको बहुत बहुत आपने इस वीडियो को बहुत बहुत प्यार दें। तो आपने अपने टीचर के लिए, टीचर के बारे में हमें क्या कहना चाहता हूँ?
जो हिंदू धर्म के बारे में सजा पढ़ाया था सा असान मंत्र मंत्र सिखाया था साईं लाल नमस्ते। अच्छा इन भाई ने बोला कि हमें जो मजहब के बारे में जो हिंदू मजहब के बारे में बहुत बहुत नॉलेज सर ने हमें एक मैंने पढ़ाई हुई है सही, और सर के हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। तो इनका कहना है कि तो भैया जी आपके बारे में थोड़ा सा आपको सुनाना चाहता हूँ, तो भंडार की सुनना है श्री गणेश के बारे में तो हम बताए ठीक है। श्री गणेशाय नमो, श्री गणेशाय नमो। फाइनली गाइस हमें भैया से पूछते हैं, प्रीतम भैया से जो हमको पहले भी हमें विजिट भी कराया इन भाइयों ने, तो इनके बारे में थोड़ा ये राम के बारे में आपको बताना चाहता है, तो आप राम के बारे में थोड़ा बताएं। जी मैं श्री राम के बारे में बताना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल। श्री राम की पत्नी का नाम था सीता, सीता के बेटे का नाम था लवकुश था। जी 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 जी। उनके चार भाई थे, वो बताएं लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत राम और शत्रुघ्न लक्ष्मण भरत और राम चार भाई थे। चार भाई थे। अच्छा उसके जो पिताश्री थे उनका नाम क्या है? दशरथ। अच्छा तो ये भैया जी ने हमें राम के बारे में थोड़ा सा डीपली आपको सुना है, तो धन्यवाद भैया जी आपका। तो शुक्रिया। तो भैया अभी ना हम टीचर से थोड़ा सा जो सर है उनसे पूछते हैं थोड़ा राम के बारे में, हमें श्री राम श्री राम के चंद्र के बारे में। श्री राम का दो बेटे ने लव और कुछ दो, और श्री राम के पिता का नाम था राजा दशरथ राजा था। हाँ। और चार भाई थे। जी ये थे चार भाई का नाम क्या था? एक के नाम राम, दूसरे का नाम लक्ष्मण, तीसरे का नाम भरत, शत्रुघ्न। अच्छा श्री रामचंद्र ना जब जंग हुई थी तो किसी से जंग हुई थी उनकी? राजा रावण से जंग हुई थी। अच्छा रावण से इसी, तो किसने हार खाई? हार राजा रावण ने हार खा के। अच्छा और जब एक सवाल है मेरा आपसे, तो जब लंका को ना बाय दी ना तो आग लगी ना, वो किसने दी? हनुमान ने दी। हनुमान राम का क्या था? हनुमान राम का क्या था? हाँ हनुमान बालक था सेवादारी से सेवादारी था। अच्छा सेवादारी बालक था। तो फाइनली गाइस सर से भी हमने जो सवाल की सही मेरे नॉलेज थी मेरे पास, वो सर से भी मैंने पूछ ले तो सर ने जवाब दिए। तो इस वीडियो को करते हैं एंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को बहुत बहुत आप प्यार दें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और ऐसा ऐसा वीडियो आपके सामने मैं लेके आऊँगा, आपने इस वीडियो को बहुत बहुत प्यार दें। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम जय माता। जय श्री राम।